स्वामी जी हम तो बर्बाद हो गए, लूट गए। लूट क्या गए बल्कि पिट गए। स्वामी जी से क्या छुपाना, हो तो अंदर ही आनी है, बोलो ना। हाँ स्वामी जी, इंस्पेक्टर सिद्धांत ने हमारा सब कुछ लूट लिया। उल्टन के सारे पोल खोल दिए, सब अखबारों में छप गया। जनता तो जूते लेके इनको ढूंढ रही है, और इनकी पार्टी ने तो मंत्री पद से भी हटा दिया। मुंह छुपाने को भी जगह नहीं बची अब तो। काजल के कोठरी में रहोगे तो कभी ना कभी तो दाग लगेगा। आप लोग निश्चिंत मेरे आश्रम में विश्राम कीजिए, मैं दिल्ली के नेताओं से बात करूंगा। हर दाग मिटाने की कोई ना कोई दवा अवश्य होगी। स्वामी जी, अगर मैं इस आफत से निकल गया तो मैं इंस्पेक्टर सिद्धांत के परिवार के हर एक आदमी का कत्ल कर दूंगा। नहीं नहीं, अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारी दुश्मनी इंस्पेक्टर सिद्धांत से, उसके परिवार के बेगुनाह को क्यों मारोगे तुम? तुम चुप रहो। नहीं नहीं, देखो, बेईमानी करना, कालाबाजारी करना एक बात है, लेकिन अगर तुम किसी के खून की बात करोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। शट अप! नहीं नहीं, मैं चिल्लाकर सारी दुनिया को बोल दूंगा। चिल्लाएगा तू? चिल्लाएगा ये? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं स्वामी जी, मेरे पुराने मालिक ने कहा था कि बेईमानी करोगे तो एक दिन इतने जूते पड़ेंगे कि टकला निकल आएगा। जूते तो पड़ गए, टकला भी एक दिन निकल ही आएगा। देवी माँ, आज बहू की आंखों की पट्टी खुलने वाली है, उसकी आंखों को रोशनी दे दे। अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए। सिद्धांत, मैं देख सकती हूँ। सिद्धांत, मैं देख सकती हूँ। सिद्धांत पूजा, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। बेटी, आप आया माँ है ना? हाँ बेटी। और तुम बिंदिया? और ये तुम्हारे पति? नमस्ते भाभी जी। मेरे देवर जी कहाँ है? अरे हाँ, नंदू कहाँ है आज? वो कहीं जरूरी काम में फंस गया होगा। अरे और बाबूजी? बाबूजी, मेरे बाबूजी कहाँ है? बाबूजी, मेरे आंखें वापस आ गए। बाबूजी, अब मैं आपकी हर चीज संभाल के रखूंगी, आपकी कोई भी चीज गुम नहीं होने दूंगी। सिद्धांत बहुत खुश हुआ होगा ना? हाँ बाबूजी, वो बहुत खुश है, बहुत खुश। आज बहुत दिनों के बाद दुनिया देखी तो बहुत अच्छी लगी। काश मैं अपने बच्चे को भी देख पाती। पूजा, पूजा। हाँ, यह गम बहुत बड़ा है तुम्हारे लिए। मैं ये कैसे कह दूं कि इस दुख में तुम नहीं रो, और ये भी कैसे कह दूं कि तुम रोते ही जाओ। आओ, कुछ पुरानी यादें ताजा करते हैं। शादी का एल्बम दिखाता हूं तुम्हें, ये देखो। देखो ये तस्वीर में तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। किसी ने तुम्हें रोका नहीं कि तुम एक अंधी लड़की से शादी क्यों कर रहे हो? अरे नहीं पगली, बल्कि मेरे इस फैसले से सभी घर वाले बहुत खुश थे। ये देखो बाबूजी कितने खुश नजर आ रहे हैं। आया माँ। हाँ। अपनी बिंदिया। हाँ, ये देखो। इसकी तस्वीर इस एल्बम में आपने क्यों लगा दी? क्या मतलब? ये ले, लगा दे इंजेक्शन, बेहोश हो जाएगी हरामजादी। नहीं। पूजा, क्या हो गया तुम्हें? ये उन बदमाशों के ग्रुप का आदमी है जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। ये क्या कह रहे हो पूजा तुम? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे गलत काम करते हुए। किस तरह का गलत काम करते हुए देखा तुमने इसे? ये उन लोगों में से है जो लड़कियों की नंगी फिल्में बनाता है। एक बार ये लोग मुझे भी उठा कर ले गए थे,
और मेरे साथ इस तरह की ज्यादती करने की कोशिश की थी। तब किसी तरह मैं वहां से भाग गई थी और वहां तुम मिले थे, याद है तुम्हें? तब यही मेरी तस्वीरें खींच रहा था, यही मेरी तस्वीरें खींच रहा था। पता होता कि वो आपका भाई है तो मैं आपको ये सब कभी नहीं बताती। आपको मेरी कसम, नंदू को माफ कर दीजिए। मुजरिम को माफी नहीं, उसे सजा दी जाती है। सिद्धार्थ, रुक जाओ सिद्धार्थ, रुक जाओ। रो मत बेटी, पश्चाताप के आंसू तो मुझे बहाने चाहिए। इस घर में राम के भाई के रूप में लक्ष्मण की जगह रावण ने जन्म लिया। बाबूजी, पता तुम लोग परफ्यूम बेचते करी? हाँ? किससे खरीदते हो? आपके भाई नंदू से। और कौन कौन आ रहा उसके साथ? और मैंने मंत्री आदर्शवर्धन के साथ उनको देखा है, वो अक्सर यहाँ उनके साथ गाड़ी में आते जाते रहते हैं। कहाँ ब्लू फिल्म बनाते वो लोग? उन लोग का अड्डा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बता। मुझे नहीं मालूम। बता। मुझे मालूम है। पता आदर्शवर्धन कहाँ है? वो हेड ऑफिस में। I'm sorry, baby. ये फैक्ट्री हमने इसीलिए खोली ताकि इंजीनियरिंग के सामान के साथ साथ हम आराम से ब्लू फिल्म भी एक्सपोर्ट कर सके और किसी को कुछ भी पता ना चले। वो तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन आपने दिल्ली बात की कि नहीं? तुम फिर मिनिस्टर बन जाओगे, तब तक तुम यहीं फैक्ट्री में रहना, यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदा तो आ गया स्वामी जी। खत्म करो, बचने में पाया आज। हमारा फार्मूला है कि हम पहले सहज चटाकर मारते, अगर उससे नहीं मरा तो जहर देकर मारते।
तुमने हमारा शहद वाला रूप देखा है ना, अब ये जहर वाला रूप देखो। हमारा देश साधुओं और फकीरों का देश है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा ये कमीनापन सिर्फ मैंने देखा। अगर दुनिया वाले देख लेते तो उनका तो साधु संतों पर से विश्वास उड़ जाता। लोग तो सिर्फ रुपये और इज्जत पर डाका डालते हैं, मगर तुमने हमारे विश्वास पर डाका डाला है। तुम्हें जितनी भी खतरनाक मौत दी जाए वो सजा कम होगी तुम्हारे लिए। बच्चा दे दे मुझे। आ गया है तो बच्चे को नीचे फेंक दूंगा मैं। नंदू मैं बोल रहा हूँ, बच्चा दे दे मुझे। अगर आ गया है तो बच्चे को नीचे फेंक दूंगा। रुक जा, रुक जा, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। भैया मुझे बचा, मुझे माफ कर दो भैया।
मेरे भाई, मैंने तुझे माफ किया, ऊपर आ जा तू। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो भैया। हाँ नंदू, मुझे बचा लो भैया। नंदू, नंदू, नंदू,